नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने कंप्यूटर का बैकअप कैसे लेते हैं। आप अपने कंप्यूटर में किसी भी ओएस का इस्तेमाल करते हो, विंडोज 7, 8, 10 या फिर 11, अगर आपको नहीं पता है कि उसका बैकअप कैसे लेते हैं, फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि अपने कंप्यूटर का बैकअप कैसे लेते हैं। जिनको दोस्तों नहीं पता है कि बैकअप लेने के क्या क्या फायदे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे जल्दी से और शॉर्ट में बता देता हूँ। तो दोस्तों बैकअप लेने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो इसका यह है कि मान लो अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई पेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, यानी कि आपने उसे परचेज किया है और गलती से वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है, तो आप इस बैकअप की मदद से अपने उस सॉफ्टवेयर को वापस पा सकते हो। या फिर अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, आपका कंप्यूटर सही से काम नहीं करता है, तो आप इस बैकअप की मदद से अपने कंप्यूटर को पहले जैसा बना सकते हो। या फिर आपने अपने कंप्यूटर में कोई सेटिंग किया है और किसी भी वजह से वो सेटिंग गड़बड़ हो जाता है, वो सेटिंग खराब हो जाता है और दोबारा आप उस सेटिंग को नहीं कर पाते हो, तो आप इस बैकअप की मदद से अपने उस पुराने सेटिंग को वापस पा सकते हो। और दोस्तों बैकअप का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि मान लो अगर आपने कोई नया कंप्यूटर खरीदा या फिर पुराने कंप्यूटर में आपने विंडोज को इंस्टॉल किया और वो विंडोज आपने परचेज किया, यानी कि जेन्युइन विंडोज को आपने उसमें इंस्टॉल किया है, आपने 1000, 2000 या फिर 5000 में खरीदा है, किसी भी वजह से वो विंडोज अगर करप्ट हो जाता है, तो फिर आप इस बैकअप की मदद से अपने उस ओरिजिनल विंडोज को वापस पा सकते हो। तो ये सारे फायदे हैं दोस्तों बैकअप लेने के। अब चलिए देखते हैं कि बैकअप लेते कैसे हैं। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों बैकअप शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर में कोई भी विंडोज इंस्टॉल हो, 7, 10 या फिर 11, सभी में बैकअप लेने का तरीका बिल्कुल सेम है। किसी में भी किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको बैकअप लेने के साथ साथ रीस्टोर करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि बैकअप लेना तो आसान है, मेन चीज होता है रीस्टोर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर साइड में आपको कैटेगरी दिखेगा, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लार्ज आइकन को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीस्टोर विंडोज 7। यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये मत सोचने लगना कि आपके कंप्यूटर में तो विंडोज 10 या फिर 11 इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ पे विंडोज 7 क्यों लिखा है। तो दोस्तों हर विंडोज के अंदर यहाँ पे विंडोज 7 ही लिखा होता है, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ सिस्टम इमेज, इस पे क्लिक करना है और ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहला ऑप्शन ऑन अ हार्ड डिस्क, जो कि पहले से यहाँ पे सिलेक्ट होगा, और ये जो आपको ड्राइव दिख रहा है ये वही ड्राइव है जहां पे आपका बैकअप जाकर सेव होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे वही ड्राइव सिलेक्ट करके रखना है जिसमें ज्यादा स्पेस हो, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ड्राइव जिसमें की विंडोज इंस्टॉल है, और इसके साथ साथ ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है सिस्टम रिजल्ट, ये दोनों यहाँ पे चेक मार्क होगा। यहाँ पे जो दूसरा ड्राइव शो कर रहा है, अगर आप यहाँ पे इसको भी चेक मार्क कर देंगे, मेरे में ई कर रहा है क्योंकि ई तक ही है, अगर आपका ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा शो करेगा। अगर आप इसे भी यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे तो उसका भी बैकअप हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप एक बार बैकअप लेना सीख जाएंगे तो ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी ड्राइव है जिसका बैकअप लेना है, और ऊपर यहाँ पे डी ड्राइव है जहां पे बैकअप जाकर सेव होना है। ठीक है, नीचे यहाँ पे स्टार्ट बैकअप का बटन दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। कंप्लीट होने के बाद से दोस्तों यहाँ पे यस नो आएगा, आपको सिंपल यहाँ नो पे क्लिक करना है और इसको बंद कर देना है। यहाँ पे दोस्तों बैकअप कंप्लीट हो गया। चलिए मैं आपको पहले उसको दिखा देता हूँ। तो डी ड्राइव में मैंने बैकअप लिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज इमेज बैकअप के नाम से एक नया फोल्डर इसके अंदर बन गया है। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये है बैकअप। बैकअप लेने के बाद से दोस्तों अगर आप चाहें तो इस बैकअप को एक्सटर्नल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो होशियारी इसी में है कि आप इस बैकअप फाइल को एक्सटर्नल ड्राइव में सेव करके रखिए, ताकि अगर आपके कंप्यूटर में इन फ्यूचर कुछ हो जाता है तो एक्सटर्नल ड्राइव में आपका वो बैकअप पड़ा रहेगा, फिर उससे आप आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बैकअप।
बैकअप ले लेने के बाद से दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक रिकवरी ड्राइव बनानी पड़ेगी, ठीक है। रिकवरी ड्राइव को बनाने के लिए आपके पास कम से कम 16 GB का एक पेन ड्राइव होना चाहिए। तो उस पेन ड्राइव को आपको अपने कंप्यूटर में लगा लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टीग्राम, मैंने अपने पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगा लिया है, ठीक है। इसको लगाने के बाद से फिर से आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद से यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकवरी का, आपको यहाँ रिकवरी पे क्लिक करना है, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट अ रिकवरी ड्राइव, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे यस नो आएगा तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको लेवल दिखेगा, यहाँ पे आपको अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा लेवल दिखता है और आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, फिर आपको यहाँ पे दिस पीसी में आकर के कंफर्म कर लेना है, अपने पेन ड्राइव को एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद से सिंपल यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों पहले पेन ड्राइव फॉर्मेट होगा, उसके बाद से रिकवरी ड्राइव बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों काफी टाइम लग सकता है, तो मैं इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा भी फॉरवर्ड मत करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप आगे भी देख सको। कंप्लीट होने के बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए द रिकवरी ड्राइव इज रेडी, सिंपल आपको यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देना है और रिकवरी ड्राइव यहाँ पे दोस्तों तैयार हो गया। अभी तक दोस्तों आपने सीखा बैकअप कैसे लेते हैं और रिकवरी ड्राइव कैसे बनाते हैं। ये तो दोस्तों इंटरवल के पहले का सीन था, मेन क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। तो अब चलिए देखते हैं कि रिस्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। तो रिस्टोर करने से पहले दोस्तों यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर में कुछ चेंजेस कर देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये दो डेस्कटॉप पे आइकन से इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें रिसाइकल बिन के अंदर भी कुछ नहीं है, ये भी यहाँ पे खाली है, ठीक है। उसके बाद से मैं यहाँ पे इसका वॉलपेपर भी चेंज कर देता हूँ, इसके जगह पे यहाँ पे मैं कुछ और लगा देता हूँ दूसरा चीज। यहाँ पे चलिए मैं इसको सेट कर देता हूँ, उसके बाद से मैं इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डार्क, ठीक है। ये सब करने के बाद से अभी यहाँ पे एक और चेंजेस मैं यहाँ पे थोड़ा सा करता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से देखिए कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ और यहाँ प्रोग्राम्स एंड फीचर पे क्लिक करके यहाँ से मैं किसी सॉफ्टवेयर को भी रिमूव कर देता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर देखिए, ये सॉफ्ट वाटरमार्क रिमूवर, मैं इसको यहाँ से अपने कंप्यूटर से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लो अगर आपका विंडोज करप्ट हो जाता है, या फिर आपसे गलती से कोई सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है, या फिर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है और आपका कंप्यूटर सही से काम नहीं करता है, आप अपने कंप्यूटर को पहले जैसा बनाना चाहते हैं, फिर दोस्तों यही बैकअप और रिकवरी ड्राइव आपके काम आएगा। आपके कंप्यूटर को पहले जैसा बनाने में आप अपने कंप्यूटर को रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिस्टोर कैसे करना है। तो रिस्टोर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर को शटडाउन कर देना है। शटडाउन करने के बाद से आपको अपने रिकवरी ड्राइव यानी कि उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगा देना है, फिर पावर बटन को प्रेस करना है। पावर बटन को प्रेस करने के बाद आपको अपने बूट की को प्रेस करना है। हर कंप्यूटर का बूट की दोस्तों अलग अलग होता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका बूट की क्या है, तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप गूगल में जाकर टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर का ब्रांड नेम और बूट की लिखेंगे, तो वहां पे आपको बूट की आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे पावर बटन को दबाने के साथ अपने बूट की को 3-4 बार प्रेस करना है। तो मैंने अपने लैपटॉप में रिकवरी ड्राइव को लगा दिया है, फिर पावर बटन को प्रेस करने के बाद फंक्शन की के साथ बूट की को मैंने यहाँ पे 4-5 बार प्रेस किया। ये मेरा एचपी का लैपटॉप है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे F9 बटन को प्रेस कर रहा हूँ। अगर आपके पास लेनोवो का लैपटॉप है तो फंक्शन की के साथ आप F12 बटन को प्रेस करेंगे। और दोस्तों ये बूट मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका वो रिकवरी ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव शो करेगा, यूएसबी हार्ड ड्राइव, सैंडिस्क। इसको एरो की से सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर इस पेज पे कीबोर्ड लेआउट में यूएस को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको ट्रबल शूट का देखिए ऑप्शन है, आपको ट्रबल शूट पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए सिस्टम इमेज रिकवरी, इस पे क्लिक करना है। यहाँ विंडोज 10 पे क्लिक करना है। अगर एक से ज्यादा रिकवरी फाइल है तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देना है। सिंपल यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट और फिनिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यस नो का ऑप्शन है, सिंपल आप यहाँ यस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों देखिए रिस्टोरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कंप्लीट होने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ सिंपल रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है और आपका कंप्यूटर यहाँ पे रिस्टार्ट होगा। कंप्यूटर दोस्तों जैसे रिस्टार्ट होगा, आपको अपने रिकवरी ड्राइव को अपने कंप्यूटर से बाहर निकाल देना है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप रिस्टोर करने से पहले जिस कंडीशन में था वापस उसी कंडीशन में आ गया है। रिस्टोर करने से पहले मैंने अपने डेस्कटॉप से इन दो शॉर्टकट्स को डिलीट किया था, अपने वॉलपेपर को चेंज किया था और कंट्रोल पैनल में जाकर के मैंने एक सॉफ्टवेयर को डिलीट किया था। चलिए उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए मैंने कंट्रोल पैनल को ओपन किया यहाँ पे और यहाँ से मैंने इस सॉफ्टवेयर को डिलीट किया था, ए पावर सॉफ्ट वाटर मार्क रिमूवर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आप अपने कंप्यूटर का बैकअप ले सकते हैं, रिकवरी ड्राइव बना सकते हैं और फिर आप बहुत ही आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।